हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर यू एंड माइंड। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरे वीडियोस रिलेटेड टू हेल्थ, ब्यूटी, फिटनेस, फैशन एंड मैनी मोर। आज मैं आपके सामने लाए हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बड़े से लेकर छोटे तक को बहुत पसंद है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेसिक स्पॉन्ज वनीला केक, और जो अंदर का हम बेस बना रहे हैं वो है चॉकलेट का। अगर आप बिगिनर हैं और नहीं आता है बिल्कुल हमें चॉकलेट का केक बनाना, चलिए देख लेते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ राउंड टेबल, स्पैटुला और स्क्रैपर कैसे बनाया जा सकता है एक सिंपल सा वनीला चॉकलेट केक। इस वीडियो के थ्रू मेरा एक बेसिक एम है आपको ये बताना कि कैसे आप बना सकते हैं चॉकलेट का सिंपल बेस। और अगर आप बिगिनर हैं केक में, केक बनाने के लिए यूजुअली रिक्वायरमेंट होती है राउंड टेबल की, स्पैटुला की और स्क्रैपर की और अदर चीज़ों की, जो कि हमारे पास नहीं होती। विदाउट इन सब चीज़ों के आप कैसे बना सकते हैं एक परफेक्ट केक। सो विदाउट गेटिंग लेट चलते हैं हमारे रेसिपी की तरफ और जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स कैसे बनता है एक चॉकलेट बेस केक। फ्रेंड्स, यहाँ पे ले लिया है मैंने 75 ग्राम्स ऑफ बटर, ये हो गया 3/4 कप ऑफ वाटर, 3 टेबलस्पून ऑयल, 3/4 टीस्पून दोनों बेकिंग सोडा भी और बेकिंग पाउडर भी, 1.5 कप मैदा, 3/4 टेबलस्पून कोको पाउडर एंड 3/4 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ले लिया है शुगर, जिसको हम पाउडर कर देंगे। ये 300 ग्राम्स मैंने मिल्क मेड ले लिया है, ये 1.5 टीस्पून के आसपास हम ये विनेगर लेंगे और 1.5 टीस्पून के आसपास हम एसेंस लेंगे। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए एक केक बनाने के लिए। चलिए अब चल लेते हैं हमारे केक बनने के प्रोसेस की तरफ और जान लेते हैं कैसे बनता है केक। यहाँ ये मैंने ले लिया है कुकर, जिसमें मैंने डाल दिया है ये नमक। नमक थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है बिकॉज मैंने बहुत टाइम यूज़ किया है। अब हमें जो सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स उनको वन बाय वन सीव कर लेना है, मतलब छान लेना है, ताकि जो भी गुठलियाँ हैं वो निकल जाएँ और इसमें थोड़ा सा कंटेंट्स में एक थोड़ा सा एयर डेवलप हो जाए, ताकि हमारा केक लिटिल सॉफ्ट बनेगा। ये वन बाय वन में ड्राई इन्ग्रीडियंट्स, ये सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, मैदा को मैं छान रही हूँ। आपको भी सारे इन्ग्रीडियंट्स को छान लेना है अच्छे तरीके से। चलिए जी, यहाँ ये मेरा मैदा छन चुका है। अब मैं लेती हूँ ये मेरा कोको पाउडर, ये मैंने कोको पाउडर ऐड कर लिया। अब इसे भी हम अच्छे से फटाफट से सीव कर लेंगे। ये ले लीजिए, ये हमारा कोको पाउडर छन गया। छानने का एक ही हमारा जो पर्पस होता है वो ये है, हमें अच्छे से इसके अंदर एक एयर प्रेशर डेवलप करना है। एयर प्रेशर लिटिल डेवलप होगा तो केक हमारा सॉफ्ट बनेगा। ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा और ये हो गया हमारा बेकिंग पाउडर, ये दोनों मैंने ऐड कर लिया है। अब इसे भी हम फटाफट सीव कर लेते हैं। चलिए जी, अब ऐड करते हैं हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है शुगर। अब मैं ये शुगर भी ऐड कर लेती हूँ। शुगर को मैंने ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको सीव कर रहे हैं। इसका एक ही फ़ायदा है, देखिए ये छोटी छोटी जो भी गुठलियाँ हैं वो हमारी निकल जाती हैं। चलिए जी, ये हो गए हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने अच्छे से सब सीव कर लिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे मिक्सचर को। चलिए जी, अब आता है हमारा टर्न, वो है वेट इंग्रेडिएंट्स का। यहाँ ये बटर है जो कि 75 ग्राम्स है। अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ विनेगर, ये विनेगर ऐड हो गया। हमें 1.5 टीस्पून के आसपास विनेगर ऐड करना है। ये लीजिए जी, हो गया 1.5 टीस्पून। चलिए ऐड करते हैं अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो आ जाता है ये ऑयल। ये हो गया हमारा 3 टेबलस्पून के आसपास ये ऑयल ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं ये एसेंस ऐड कर रही हूँ, ये एसेंस भी हमने ले लिया है। 1.5 टीस्पून के आसपास मैंने एसेंस ऐड हो गया। चलिए जी, अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से आपको ये विस्कर से विस्क कर लेना है। चलिए, अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम हमारा लेते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है हमारा कंडेंस मिल्क। ये देखिए, ये है 100 ग्राम्स और यहाँ ये वाला छोटा वाला बॉटल है, ये है 200 ग्राम्स, मीन्स टोटल हो गया 300 ग्राम्स। 300 ग्राम्स के आसपास मैंने ये कंडेंस मिल्क डाला है। कंडेंस मिल्क एक्चुअली दूध की और मिठास
जो कि शुगर है, क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी एडेड होती है, तो वो वाली रिक्वायरमेंट दूध और शुगर की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर देता है। और कंडेंस मिल्क डालने से आपका केक थोड़ा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है, जो कि हम अगर शुगर और मिल्क डायरेक्टली डालते हैं तो उस तरीके से इतना हमारा केक स्पॉन्जी ना बन पाए। सो यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। चलिए अब ये वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम एक ही काम करना है, धीरे धीरे वेट इंग्रेडिएंट्स को हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालना है और मिक्स करना है। ये देखिए यहाँ ये मैंने डाल दिया है सारा वेट इंग्रेडिएंट ड्राई इंग्रेडिएंट में। अब आपको एक ही काम करना है, अच्छे से मिक्स करना है। धीरे धीरे मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दूँगी। और ये लीजिए जी हमारा बैटर, देखिए ये रेडी हो चुका है। ये अच्छे तरीके से मेरा बैटर रेडी हो चुका है। ये देखिए ये बैटर रेडी है। चलिए जी आपको यहाँ ये देखने से पता चल रहा होगा क्या कंसिस्टेंसी लेवल आपने रखना है। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको स्पेसिफाई करें, अगर आप उस लेवल से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो आपका केक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। यहाँ ये मैंने टिन ले लिया है, उसे मैं ग्रीस कर रही हूँ। यहाँ आप ग्रीस करने के लिए नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी अगर आप ऐड करेंगे तो इट विल ऐड अ एक्स्ट्रा फ्लेवर टू योर केक। सो मैंने तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा घी दोनों लिया है। अब यहाँ पे ये ले लेती हूँ मैं, ये बटर पेपर मैंने ले लिया है जिसको मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से सेट कर लिया है। आपने भी ऐसे कुछ गोल शेप में काट के जितना आपका टिन है उस तरीके से आपको अच्छे से बटर पेपर को सेट कर लेना। चलिए डालते हैं अपने बैटर को। ये मेरा बैटर गया। आप चाहें तो इसमें और चीज़ें जो हो गई लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गए, चाहे टूटी फ्रूटी हो गई, वो भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने तो ये बेसिक स्पॉन्ज केक दिखा रही हूँ। चलिए जी यहाँ पे ये बैटर ऐड हो चुका है मेरा। अब आपने एक काम करना है, इसे अच्छे से टैप करना है और सेट करना है। टैप करने से क्या होगा, जो भी अगर एयर प्रेशर थोड़ा सा भी टिन में है वो रिलीज़ हो जाएगा, जो भी एयर बबल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये देखिए कुकर में मैंने ये इस तरीके का एक राउंड स्टैंड ले लिया है। अब स्टैंड को हम इसके अंदर रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ऊंचाई रहे। और नमक डालना थोड़ा इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो कुकर के अंदर जो भी गर्माइश रहती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये इस तरीके से सेट हो गया। अब आपको कवर कर लेना है। ध्यान रखना है कवर करते टाइम आपको रबर नहीं लगाना है कुकर के उस लिड पर, और विसल को हटा देना है। चलिए जी अब कुकर को 25 मिनट्स तक आपने कुछ टच नहीं करना है, बिल्कुल ओपन नहीं करना है। हम इसको 25 टू 30 मिनट्स अच्छे से बेक होने देंगे, फिर चेक करेंगे हमारे केक को। चलिए जी यहाँ केक को बेक होते 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी नाइफ से। ये देखिए ये मैं नाइफ अंदर यहाँ बीच में डाल के चेक कर रही हूँ। देखिए जी बिल्कुल नाइफ क्लीन निकली है। एक बार फिर मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकली। आपको हमेशा चेक मिडिल में ही करना है, फिर भी हम साइड में थोड़ा चेक करते हैं। ये देखिए हमारी नाइफ बिल्कुल क्लीन निकली, मीन्स हमारा केक रेडी हो चुका है जी। सो यहाँ पे हमारा ये केक का बेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, ये टॉप पर। हमारा टॉप ऊपर से ब्रेक हो चुका था, तो यहाँ मैंने टॉप को काट लिया है और जो मेरा केक है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और ये देखिए इस तरीके से कितना सॉफ्ट केक बना है। चलिए जी ये बीटर के थ्रू मैं यहाँ पे क्रीम को विप कर रही हूँ। क्रीम को भी विप करने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, टिप्स हमें लेने पड़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रीम को किस तरीके से विप करना चाहिए, अच्छे से किस लेवल तक विप करना चाहिए ताकि वो हार्ड ना हो, क्योंकि आप जब क्रीम को ज़्यादा भी बीट कर देते हैं बीटर के थ्रू तो वो हार्ड हो जाती है। और काफ़ी जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्रीम को बीट करने के लिए, लाइक एक अच्छा ठंडा टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाए ताकि क्रीम हमारी मेल्ट ना हो जब हम हमारे केक पर लगाएं। कई बार कई लोगों के इश्यूज आते हैं, बीट तो अच्छे से हो जाती है बट आफ्टर सर्टन लेवल ऑफ टाइम जब हम केक की आइसिंग करते हैं तो क्रीम हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। सो इस लेवल पर काम आता है क्रीम की बीटिंग किस लेवल तक की जाए ताकि हमारा जो क्रीम है, जो हम ये विपिंग क्रीम है, मेल्ट ना हो केक पे लगाने पे। सो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं लर्न करना, लाइक इफ़ यू आर अ बिगिनर, सो आप मुझे कमेंट करें। आप मुझे अगर मेरे पास कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं प्रॉपरली आपको बताऊँगी कि क्रीम को किस लेवल तक बीट किया जाता है, किस तरीके से क्रीम को बीट किया जाता है।
अगर मेरे पास कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपसे ये वीडियो भी शेयर करूँगी। सो यहाँ ये देखिए, यहाँ ये मैंने थोड़ा शुगर सिरप बना लिया है, ये मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्प्रे बॉटल में लेकर भी इस पर स्प्रे कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ ये मेरे पास पेटुला नाइफ नहीं है, न मेरे पास स्प्रे बॉटल है, न मेरे पास पेटुला नाइफ है। सो आई एम यूजिंग नॉर्मल नाइफ। ये देखिए, नॉर्मल नाइफ से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ क्रीम को। आपको भी यही करना है। एक्चुअली शुगर सिरप जो यूज़ होता है वो केक को थोड़ा मॉइस्ट लेवल, उसका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसको लिटिल और सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। सो वहाँ यहाँ ये मैंने शुगर सिरप यूज़ किया है। अब ये क्रीम है, ये क्रीम देखिए मैं अच्छे लेवल पर लगा रही हूँ, क्योंकि क्रीम के ऊपर हम दूसरा लेयर रखेंगे। सो ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल क्लीन हो। सो यहाँ ये देखिए, इस तरीके से ये मेरी क्रीम लग चुकी है। चलिए अब रखते हैं इस पर हमारा सेकंड बेस। ये है मेरा सेकंड बेस, वही काम करना है आपने। शुगर सिरप होएगा, वो शुगर सिरप पहले हम लगाएंगे एंड देन उसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। ये शुगर सिरप, इस तरीके से ये हमारा शुगर सिरप लग गया। चलिए जी, अब ये नाइफ से मैं लगा रही हूँ हमारी क्रीम। ये क्रीम हो गया। चलिए जी, इसी तरीके से आपने भी टॉप लेयर को भी कवर कर दिया है, और हर्शले चॉकलेट सिरप मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है, और ये हो गए कुछ चॉकलेट बॉल्स, उससे मैंने डेकोरेट कर लिया है। ये देखिए, सो आई थिंक इसमें मैंने ना ही कोई राउंड टेबल यूज़ किया, ना स्पैटुला यूज़ किया, ना मैंने कुछ नोज़ल्स यूज़ किए हैं। ये एक बहुत ही बेसिक केक है, जो किसी के भी बर्थडे पे आप बिना इन सब चीज़ों के बहुत ही बढ़िया केक आप रेडी कर सकते हैं जी। सो आई होप यू लाइक माय रेसिपी। अगर आपने डिटेल में सीखना है केक, ये देखिए यहाँ पे ये जो केक का टॉप लेयर था जो हमने काट के निकाला था, जो ज़्यादा सेक चुका था, वो टॉप लेयर ऊपर का जो हमारा क्रैक हो गया था, उस क्रैक को मैंने साइड मैश करके वही केक के पास में कॉर्नर्स में मैंने लगाया था। सो इस तरीके से आप भी अपने क्रिएटिविटी के साथ केक बना सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये केक आप देखेंगे यहाँ ये कट करके। ये देखिए जी, ये केक हमारा पीस मैंने काट लिया है। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से, कितना अच्छा केक लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि विदाउट राउंड टेबल, विदाउट स्पैटुला, विदाउट अदर एनी एक्सेसरीज हमने इतना बढ़िया सा केक रेडी कर लिया है। वो जी कहा जाता है ना कि अगर किसी चीज़ के लिए आपको बहुत पैशन है वो करने का, या बहुत ही इंटरेस्ट है, तो वो काम फिर होके ही रहता है। सो यहाँ पर भी वही बात है, अगर आपने केक बनाना है तो बनाना ही है, चाहे वो चीज़ें हों आपके पास या ना हो। सो मैंने शेयर करा है आपके साथ ये बहुत ही सिंपल रेसिपी। सो आई होप यू लाइक माय रेसिपी। इफ़ यू लाइक माय रेसिपी, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।